आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्नेस्ट हेकल की थ्योरीज के बारे में। तो डियर सर्स, हेकल ने क्या किया था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेशन रिकेपिचुलेशन फाइलोजेन। याद कर लें आपको फाइलोजेनिक, तो नंबरिंग के लिहाज से याद कर लें कि सबसे पहले आपको मिक्स करके दे सकते हैं रिकैपिटुलेशन ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी, या पहले फाइलोजेनी ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेशन, ये आपको कह सकते हैं, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन द नंबरिंग। ठीक है जी, तो आपने नंबर के साथ इनको रखना है क्योंकि आप ऐसे गलत ही कर सकते हो। डियर सोन्स, इसमें इन्होंने क्या कहा था अर्नेस्ट हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल ने जो है इस इंसान को कंपेयर जो किया था वो मंकीज के साथ, एप्स के साथ किया था। उन्होंने कहा था कि जो इंसान का बच्चा होता है वो उंगली को कस के पकड़ता है और जब जमीन पर छोड़ दो तो रिंग कर चलता है, जब वो चलना सीखता है तो अपना पंजा जमीन पे लगाता है। तो दीज आर द करेक्टर ऑफ द एप्स। तो उन्होंने कहा ये एप्स के करेक्टर होते हैं जो रिपीट होते हैं। इन्होंने एक और भी चीज कही थी, इन्होंने कहा था कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिपीटेड देयर पेरेंटल कैरेक्टर्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यानी इन्होंने कहा था कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने पेरेंटल कैरेक्टर्स को अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो क्या करते हैं, उनको अपियर करते हैं, फिर भले उनको खत्म कर दें, रेट्रोग्रेसिव स्टेज में चले जाएं और उनको डिसअपियर करें, लेकिन वो ये बताते हैं कि किसी न किसी जमाने में हमारा ताल्लुक उन जानदारों के साथ था, जैसे कि गिल्स का पैदा होना, फिर उसका डिसअपियर होना। जैसे कि हम कहते हैं भाई सेलेमेंडर है, सेलेमेंडर में कुछ गिल्स जो एडिशनली गिल्स होती हैं वो पैदा होती हैं फिर खत्म हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम नॉन इनकी नॉन वर्टिब्रेट्स कोडेड जो होते हैं, एसीडिया जैसे हो गया, उनमें कुछ ऐसे करेक्टर पैदा होते हैं जो रेट्रोग्रेसिव स्टेज में फिर डिसअपियर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर वो पैदा इसलिए करते हैं ताकि वो बताते हैं कि हमारा ताल्लुक किसी जमाने में इन जानदारों के साथ था। मतलब कुछ ऐसे जानदार भी हैं जिसमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हमें मिलते हैं, जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, जैसे एक्सटर्नल पीना है, तो ऐसे बहुत ज्यादा, ऐसे कैनाइन है हमारी बॉडी में, जैसे अपेंडिक्स है हमारी बॉडी में। तो दीज आर ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अप्रोक्सीमेटली कुछ बुक्स ने लिखा है कि हंड्रेड्स जो है वो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, लेकिन कुछ ने लिखा है कि 90 होते हैं। तो फोकस ऑन इट, पहले वो सर्च कर लें जो आपके सिलेबस में है। अगर 90 है तो मोस्टली जो हम हमारी नज़र से गुजरा है वो 19 वेस्टिजियल जो है वो ऑर्गन्स होते हैं, लिविंग ऑर्गन, स्पेशली ह्यूमंस में। तो यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको बता दिया तो 90 होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो रेफर करती हैं किसको, ऑन्टोजेनी ऑफ और ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेशन फाइलोजेनी। अर्नेस्ट हेकल ने ही बताया था कि रिपीटेटेड करेक्टर होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रिपीट होते हैं और जानदार रिपीट करते हैं इन करेक्टर्स को। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अर्नेस्ट हेकल जो है ही वाज वन ऑफ द मेजर साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ द एवोल्यूशन, राइट। तो हम चलते हैं ऑगस्ट वेजमैन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑगस्ट वेजमैन एक ऐसा बंदा है जिसने लमार्क की खटिया खड़ी कर दी, और लमार्क ने जब अपनी थ्योरी पेश की थी तो ऑगस्ट वो बंदा है जिसने एतराज करके इनकी थ्योरी को रद्द कर दिया था, और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो किसके मुकाबले में, लमार्क के मुकाबले में। उसका नाम था जर्म प्लाज्मा, या इसको हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल जर्मिनल थ्योरी। तो जर्म प्लाज्मा और कॉन्टिनेंटल जर्मिनल थ्योरी, ये दोनों चीजें जो है वो किससे ताल्लुक रखती हैं ऑगस्ट वेजमैन ने। ऑगस्ट वेजमैन ने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो मौजूद होते हैं, सेल मौजूद होते, दो टाइप के सेल मौजूद होते हैं। एक सेल होता है, ऑगस्ट वेजमैन ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ द सेल,
एक है सोमेटिक सेल और दूसरा कौन सा सेल है, जर्म सेल। तो डियर सोन्स, जर्म सेल्स वो सेल्स हैं, इन्होंने अकॉर्डिंग टू द ऑगस्ट वेजमैन, कि जो जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाले होते हैं वो जीन्स होते हैं। जर्म सेल में जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये मुंतकिल नहीं हो सकती। सोमेटिक सेल्स में लमार्क ने कहा था सोमेटिक सेल्स भी क्या करते हैं, दे आर एबल टू ट्रांसमिट द पेरेंटल करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, लेकिन ही वॉज रॉन्ग। तो इसको जो रॉन्ग किया था, गलत किया था, वो ऑगस्ट वेजमैन ने किया था। और इन्होंने, ऑगस्ट वेजमैन ने क्या किया था, चूहों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनके दुम को काट के उनका फिर इंटरब्रीडिंग करवाई थी, जिसकी वजह से हर नस्ल में चूहा जो है वो दुम के साथ पैदा हो रहा था, जिसके लिए जो है उन्होंने जो है एक एविडेंस इकट्ठी की लमार्क के लिए। ठीक है, तो लमार्क का जो, ठीक है, लमार्क की थ्योरीज में बहुत ड्रॉबैक्स थे, लेकिन उसने फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव मॉडल ऑफ एवोल्यूशन जो वो पेश किया था। तो इससे पहले जो है वो कम्प्रीहेंसिव मॉडल नहीं था, लेकिन इसकी जो थ्योरी थी वो जस्ट अजम्पशन पे थी, इसकी कोई साइंटिफिकली हम कहें कि एक्सपेरिमेंट पे वो मुश्तमिल थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था लमार्क के दौर में। ठीक है जी, तो अब आते हैं हम लमार्क की तरफ। तो लमार्क एक ऐसा बंदा जिसने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, उसने अपने एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम लमार्किज्म से जानते हैं, लमार्क। ठीक है जी, तो ये जो लमार्क था, लमार्क बहुत बड़ा नाम, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने थियोरी पेश की थी अक्वायर्ड करेक्टर्स जो है, अक्वायर्ड इनहेरिटेड करेक्टर के नाम से, अक्वायर्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर, इन्होंने ये थियोरी दी थी, जो बाद में उसका नाम पड़ा लमार्किज्म, लमार्किज्म इसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कौन, ये फ्रेंच के थे, फ्रेंच के बाशिंदे थे, और ये सोल्जर थे, और इन्होंने फिर क्या किया था, इन्होंने जिराफ पे ज़्यादा काम किया था, और जिराफ के हवाले से इन्होंने बहुत जो है कन्विंसिंग जो है पॉइंट्स जो है वो शेयर की थी। उन्होंने कहा कि जो जिराफ थे वो अफ्रीका के रहा वो बाशिंदे नहीं थे, वहाँ रहते नहीं थे, इनहेबिटेट उनका नहीं था। फिर कुछ डिजास्टर हुआ कि वो डिजास्टर जैसे कि कैटास्ट्रोफिज्म कोई हुआ, जिसकी वजह से नीचे की जो वेजिटेशन थी वो सारी खत्म हो गई। फिर उसके बाद जो जिराफ था उनकी गर्दन ऐसे ही थी जैसे कि घोड़े की गर्दन होती है या गधे की गर्दन होती है। फिर उन्होंने प्रैक्टिस देना शुरू कर दिया उनको, और फुलेज जो ट्रीज थे उनके पत्तों को खाना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइफ। और इन्होंने ये बताया कि लाइफ जो है वो लेडर लाइक होती है, देखे जरा ये लेडर लाइक है, उनके दर्जात होते हैं, ये टॉप टू बॉटम होते हैं, जो टॉप पे होते हैं उनको हम कहते हैं उनको सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं, सर्वाइवल चांसेस जो होते हैं उनके वो मैक्सिमम होते हैं, और जो नीचे बॉटम पे होते हैं उनके सर्वाइवल चांसेस जो होते हैं वो लेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिराफ की जब भी हम बात करेंगे तो एक हम शॉर्ट नेक वाले जिराफ की बात करेंगे, यहाँ शॉर्ट नेक वाले, और जो हैं दूसरे हैं लॉन्ग नेक वाले जो हैं वो टॉप पे जो थे लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे, लॉन्ग नेक गिराफी। ठीक है, तो उनके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा थे और ये शॉर्ट वालों के कम थे। वजह, क्योंकि स्टारवेशन हो रही थी उनको, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अपने खानदान को डिक्लाइन करते गए, डिक्लाइन करते गए। लेकिन जो इंक्रीज हुआ तो किनका हुआ, जिनको माहौल ने सपोर्ट किया, जिनको सर्वाइवल फिटेस्ट मिला, तो सर्वाइवल फिटेस्ट जो था वो लॉन्ग नेक था उनका। तो डियर स्टूडेंट्स, बाद में उनको प्रूव ये नहीं हो पाया, जिसको फिर जो है वो रद्द कर दिया गया, जिसने ऑगस्ट वेजमैन ने इनको किया था। लमार्क ने क्या किया, लमार्क ने कुछ चीज मजीद चीजें लमार्क के बारे में, डियर स्टूडेंट्स, लमार्क की अगर हम बात करते हैं तो उसने फर्स्ट, ही वाज गिवन फर्स्ट
कंप्रीहेंसिव मॉडल ऑफ एवोल्यूशन। और इनके अलावा डियर डियर स्टोन्स, इन्होंने बुक लिखी थी फिलोसॉफी फिलोसॉफी जोलॉजी, ठीक है जी। तो इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने सारी चीजें अपनी थ्योरी जो है वो बयान की थी लमार्क ने, ठीक है। तो ये उसके बाद डार्विन की बात करते हैं। तो डार्विन जो है वो बहुत बड़ा नाम, डार्विन इन्होंने, ये अंग्रेज थे, इंग्लिश साइंटिस्ट था, और सेंट ब्री में जो है ये पैदा हुए थे, और इनके अब्बू और अम्मी दोनों डॉक्टर थे, और पेरेंट जो उनका स्टेटस था वो डॉक्टर का था, लेकिन ये डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे। फिर इनके फादर्स ने, फादर और मदर ने यानी पेरेंट्स ने उनको क्या किया, उनको जाकर अपने मेंटोर्स के साथ मिलाया, फिर मेंटोर्स ने उनको राजी किया, एग्री किया गैलापागोस आइलैंड के जाने के लिए। HMS बीगल जो था, एक नेवल शिप था, वो तैयार हो रहा था 5 साल के जर्नी के लिए, उनको वहाँ पे भेज दिया गया। तो फिर वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत बड़ा काम किया, और ही फॉर्मुलेटेड फॉर्मुलेटेड फेमस थियरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। और इसको हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन ऐसे भी हम कहते हैं। और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, और इनके अलावा भी थ्योरीज जो हैं, इन्होंने बुक्स जो लिखी हैं न्यू स्पीशीज पे बहुत काम किया इन्होंने, और इसकी थ्योरी का नाम जैसे मैंने आप भी आपको बताया था नेचुरल सिलेक्शन भी इसकी थ्योरी को हम कहते हैं। इन्होंने कहा कि नेचर सेलेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और फिर इन्होंने जो है कंपेरेटिव एनाटॉमी पे काम किया था, जिसकी वजह से एवोल्यूशन को रिलेट किया किसके साथ, एविडेंसेस के साथ, ठीक है। तो इन्होंने फिर एविडेंसेस के साथ उनको रिलेट किया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद एक बंदा आया जिसका नाम है मैल्थस। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो कुछ इस तरह से बढ़ती है कि रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस हैं वो अर्थमेटिकली क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं, अर्थमेटिकली जो है वो इंक्रीज होते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि दीज आर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस इंक्रीज बाय अर्थमेटिकली, अर्थमेटिकली, राइट। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 = 8, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ऐसे नहीं बढ़ती, पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती है, पॉपुलेशन के लिए टर्म यूज किया पॉपुलेशन इंक्रीजेस
एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली, तो वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, या ज्योमेट्रिकली जो है वो होती है, या इसको हम रैपिड भी कह सकते हैं कि रैपिड हो सकती है, जैसे 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो डियर सर्स, 2 to the 4 और 4 to the 8 और 8 to the 16, तो ये ऐसे बढ़ती है। यहाँ देखो 8 है और यहाँ पे 16 है, तो मतलब जो पॉपुलेशन है वो उसका रेट बहुत ज़्यादा है बढ़ने का, और जो रिसोर्सेज है वो कम बढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है तभी जो है सिलेक्शन होती है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये आपका अपना चैनल है, और ये फ्री सेशन की क्लासेस चलाते ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लें, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं जो आपके एमडीकर के हवाले से बहुत वैल्यूएबल होती हैं। तो फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।